सुजीत विधानसभा में भाजपा ने लगातार पांचवी बार बाजी मार ली है। यहां भाजपा प्रत्याशी शोभा चौहान ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के निरंजन आर्य को 31,772 मतों से हरा दिया है। भाजपा की शोभा चौहान को 94,852 वोट और कांग्रेस के निरंजन आर्य को 63,080 वोट मिले। मतगणना बांगड़ महाविद्यालय पाली में रिटर्निंग अधिकारी गोपाल जांगिर, सहायक रिटर्न अधिकारी दीपक सांकला द्वारा डाक मतपत्र तथा ईवीएम में प्रयुक्त मतगणना के मतपत्रों से गणना की गई, जिसमें कुल 1,70,105 वोट प्राप्त हुए। इसमें आम आदमी पार्टी के ओम प्रकाश को 1,993, बहुजन समाजवादी पार्टी के सूरजमल को 1,067 तो आजाद समाज पार्टी के रामचंद्र को 2,266 मत मिले। वहीं निर्दलीय अशोक कुमार खांडपा को 146 मत तो निर्दलीय कैलाश चंद्र को 137 वोट मिले। वहीं गुणेश रावल जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आए थे उनको 333 वोट मिले तो गोविंद राम खटीक भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 707 वोट लेने में सफल हुए। वहीं प्रदीप मेघवाल निर्दलीय को 860 वोट मिले और मंजू जलवानिया निर्दलीय को 1,166 वोट मिले। रेखा अविनाश पवार निर्दलीय को 1,474 तथा नोटा को 2,024 वोट मिले। वहीं भारतीय जनता पार्टी अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित कर दिया गया और निर्वाचन का प्रमाण पत्र भी दिया गया। ये जानकारी चुनाव शाखा से मनोहर पालडिया ने दी। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव में राजस्थान में भाजपा की बंपर जीत और सुजत विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार निरंजन आर्य की करारी हार ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि जीत उसी की होती है जिसे जनता चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी शोभा चौहान दूसरी बार विधायक बनी है। वहीं भाजपा की विजय पर कार्यकर्ताओं ने हनुमान मंदिर राजपोल गेट के बाहर जमकर आतिशबाजी की और मिठाइयां भी बांटी। वहीं मरुधर केसरी रोड पर सुजत की सामाजिक संस्थाओं द्वारा विधायिका चौहान और राजेश चौहान का भी बहुमान किया गया। सुजत से नथाराम बोराणा की सत्यमेव न्यूज के लिए रिपोर्ट। इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और लेटेस्ट न्यूज YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज और प्रेस करें यहाँ बने बेल आइकन को ताकि आप हमेशा